Assalamualaikum, good morning. अब तो तीसरा दिन है हमारा ट्रेन जर्नी। आज 10 बज गए, 10:30 बज गया। अभी देखो 1:30 बजे में ये अभी आगरा स्टेशन निकल गया। माशाल्लाह कल रात में काफ़ी ठंड था लेकिन एसी में तो एसी का ठंड भी है और चादर और कम्बल वगैरह सब कुछ था, लेकिन इतना दिक्कत नहीं। अभी निकल गया ट्रेन अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लिप को तो प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं, वो ठंडा की वजह से है ना, आप लोग को पता है। मेरे केरला में तो इतना ठंड नहीं है ना, हम परदेसी आदमी बोलते हम तो बाहर से आती है गर्मा गर्म मौसम से। अल्हम्दुलिल्लाह कल रात में बढ़िया नींद मिल गई है, और ये बात है क्योंकि कल रात में बड़ी अच्छे तरीके से ठंडा लगता था क्योंकि और माशाल्लाह और एसी में था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। चादर वगैरह और कम्बल वगैरह सब कुछ मिलती थी और सफ़र अच्छा था और कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हल्के हल्के धूप निकल गए, ऐसे कोई डर नहीं। मेरे पास जैकेट भी है और ये फुल स्लीव वाला टी शर्ट भी है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कुछ दिख नहीं। लेकिन लिप का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, ये होती है कभी कभी। मतलब इसमें कुछ लगाए तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर इस तरीके से लिप बटेगा फिर सही होगा। लेफ्ट वाली साइड पे पूरा घर वगैरह हमको देखने को मिलेगा, कचरा बहुत है यार, बहुत ज़्यादा कचरा है। जितना भी मैं शुरू से अभी तक देखा है, काफ़ी जगह में कचरा बहुत डालते हैं यार, ट्रेन से भी और इस तरीके से भी। हवा ठंडा चल रहा है, हवा ठंडा, धूप निकल रहे, टाइम तो 11 बजने वाला है, फिर भी ऐसी मौसम है। क्या बोला, क्या बताओ, अगर हिंदुस्तान में अलग अलग कोने पे अलग अलग मौसम चलती है। अभी केरला में भी फिलहाल सुबह सुबह थोड़ा ठंड है, अभी तो इतना ज़्यादा ठंड नहीं। यहाँ तो 11 बजने वाला है, फिर भी देखो दो दिन से हमारे साथ ये भाई भी थे। भाई तो केरला से काम करके आया हूँ, कासरगोड में काम किया था ना भाई, होटल में। आपका नाम क्या? क्या? ब्रजेश कुमार। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। अच्छा, अभी जा रहा हूँ दिल्ली, और केरला में वो कर्टन के काम करते हैं, कर्टन। पर्दे लगाते हैं होटल में। रसूले आमी खातमल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। है अकीदा ये अपना बसिद को यकी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा को। माशाल्लाह कैसे मौसम है, बहुत बढ़िया, अच्छा मौसम है और हल्का हल्का ठंडा भी लग रहा है। और अब तो 12 बजने वाला है, मैंने ब्रेड और ऑमलेट है ना, ब्रेड ऑमलेट मैंने खा लिया, 50 रुपया है, अच्छा था। अभी तक है ना सुबह सुबह कुछ नहीं खाया तो ऐसी एनर्जी नहीं मिलती, इसलिए मैंने भूख के साथ अभी 1:30 बजे। देखो पता नहीं यार, गाड़ी तो आधा घंटा 40 मिनट फ्लाइट चल रहा है अभी, अगर अभी 1:30 बजे में और 2 बजे में वहाँ पहुँचेगा निज़ामुद्दीन, इसके बाद फिर मेरे को शाम में ट्रेन यूपी। मैंने क्योंकि बस तो मिलेगा आनंद विहार से, फिर भी मैंने सोचा यार ट्रेन में चलूँ, फिर मैं इंशाल्लाह 8:00 बजे में वो ओल्ड स्टेशन में, ओल्ड दिल्ली से मेरे को ट्रेन है, ठीक है, वो थोड़ा टाइम वहाँ मिलेगा, चार पाँच घंटा वहाँ मिलेगा मेरे को। रश की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसी बैठेगा कभी कहीं ना कहीं, घूम नहीं सकते क्योंकि मेरा पास बड़े मोटे भारी बैग है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल कोई दिक्कत नहीं। ट्रेन के साइड में ना ये सीढ़ी के पास खड़ा होना तो अच्छा नहीं, क्योंकि अगर ट्रेन हीलिंग होती है बड़ी प्रॉब्लम आती है। और मैंने कम से कम 2 महीने के बाद अभी सफ़र स्टार्ट किया हूँ,
अभी फिलहाल आप लोगों में इंशाल्लाह दिखाऊंगा मेरा क्या काम है यूपी में और क्या क्या अपडेट आप लोगों को देने वाले इंशाल्लाह। ठीक है, हमारे साथ बने रहना इंशाल्लाह और ब्लॉग इंशाल्लाह बेहतर बनने वाला हूँ। अभी फिलहाल एक महीने के ऊपर हो गया मैंने ब्लॉग नहीं बन पाया, इसलिए थोड़ा बोलने भी नहीं आती है मेरे को, हिंदी भूल गया मैंने। हाँ पूरा कबाड़ा बना है, इतना बड़े बड़े ट्रक है, क्यों लेफ्ट में देख रहे हैं आपको ग्राइंड ट्रक, पता नहीं कोई प्रॉब्लम आती है क्यों, पूरा छोड़ दिया वो मंकी। हाँ बहुत है वहाँ भी है। साढ़े बारह बजने वाला है, देखो इधर लेफ्ट साइड में आपको हाईवे देखने को मिलेगा, मुझे लग रहा है अभी दिल्ली पहुंचने वाला है, क्यों वैसे भाई। दोस्तों हमारा सफ़र तो ख़त्म होने वाला है, ये भाई तो कल्याण से हमको मिला है, कल्याण से हमारा साथ है, क्या नाम आपका? मोहम्मद सैफ। कहाँ जा रहे हो? दिल्ली जा रहे हो? हाँ। तो पहुँचने वाला है 10-15 मिनट में पहुँचूगा। और पढ़ाई करते हो? जी। कौन सी पढ़ाई करते हो? मैकेनिकल इंजीनियर। अच्छा अच्छा, क्या बात है, मतलब पॉलिटेक्निक हो? हाँ। अच्छा, और कोई सा भी कंप्लीट होने वाला है क्या? हाँ, हो गया उस लास्ट टाइम में। अच्छा अच्छा, हम इसके बाद ट्रेनिंग होती है? हाँ, इसका ट्रेनिंग होगी फिर बच जाएंगे जॉब। बेस्ट लग भाई, अब तो पढ़ाई में ध्यान रहता, अच्छा है। और कहाँ जा रहे हो? दिल्ली में जा रहा हूँ सिस्टर के पास। और ये मंगला संपर्कांति एक्सप्रेस कैसे लगा? डेढ़ एसी का एक्सपीरियंस। हाँ सही है अभी। अच्छा ना, कंप्लीट कर दिया। हाँ अच्छा है, बहुत शुक्रिया आपको हमारा साथ। हाँ। और बहुत अच्छा लगा, थैंक यू भाई। दोस्तों आप लोग है ना ट्रेन में सफ़र करते हो, आप लोगों को पता है ये रेल का नीर पानी और किसी भी बोतल होती है इसमें तो क्यों होती है ना, ये रीयूज होती है, हम तो ऐसी पैक जो होती है ना ये रीयूज होती है, इसमें क्या करना ना ये डिब्बा में एक बार दिखाऊँगा राइट साइड, ये इसके अंदर पैक देना। ठीक है, अभी ये रीयूज नहीं होगा, अगर ऐसी नया डिब्बे के साथ छोड़ देते ना ये पानी दूसरा भर के आती, इसलिए अभी ये कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, इस तरीके से कर लेना। दोस्तों फाइनली निज़ामुद्दीन पहुंच गया, ये है टेढ़ वाली ऐसी कोच। ठीक है, इसी तरह एक बिछाने के लिए मिलेगा ऊपर वो चादर वगैरह और सफ़ेदी, ये भी नीचे बिछाने के लिए एक पिल्लू भी। ठीक है, इस तरीके से होती है नॉर्मल स्लीपर की तरह है टिकट, मतलब स्लीपर की तरह है इसका बोगी को। ठीक है, और बाकी तो बीच बीच में सफाई करके देती है। ठीक है, फिर बाहर चलते हैं। क्यों दोस्तों मैंने निज़ामुद्दीन स्टेशन में उतर गया, अभी मैं बाहर निकालूंगा यहाँ से, फिर मैं पुराना दिल्ली के लिए ना बस मिलने के लिए कोशिश करूँगा। ठीक है, यहाँ पे ना अभी ये गाड़ी आ गए ना, इस वजह से पूरा क्राउड है यहाँ हमेशा मिलते हैं, और अपनी सामान वगैरह बैग वगैरह चोरी हो सकते हैं, यहाँ ध्यान रखना पड़ती है। बाहर निकल गया मैंने, नहीं यहाँ तो आपको काफ़ी ऑटो वाला मिलेगा, ऑटो रिक्शा टैक्सी वगैरह है ना, तो मैं जाऊँगा बस पकड़ने के लिए, नहीं बस पकड़ने के लिए जाऊँगा। ठीक है, इधर ज़्यादा तो रुके थे ना, बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ, ज़्यादा रुके थे ना प्रॉब्लम आती है, क्योंकि टैक्सी वाला कैच के लेके जाऊँगा। नहीं, अरे नहीं बोलो, नहीं रूम के लिए नहीं आया हूँ। कहाँ के लिए? नहीं मैं यूपी जा रहा हूँ भाई। नहीं रूम नहीं, बस तो यहाँ से मिलेगा। नहीं मैं पुराना दिल्ली जाऊँगा, पुराना। हाँ वहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ से पकड़ के पुराना दिल्ली। हाँ ठीक है, यहाँ से नहीं मिलेगा, बाहर से मिलेगा।
405 नंबर बस वहाँ से मिलेगी। थैंक यू भैया, आपका नाम क्या? हमारा नाम रियाज। चलो शुक्रिया, थैंक यू। ओके भैया, क्योंकि ना वो मेरे को मदद दे रही है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसी होती है क्या ना भीड़ के बीच में होती है, भीड़ के बीच में अपनी सामान मोबाइल वगैरह सेव करना पड़ती है, ठीक है, नहीं तो ना घूम जाएगी मोबाइल वगैरह पैसे वगैरह सामान। तो भैया सब लोग कैमरा देख के ना हंसते। ये राइट वाली जगह से पुराने मेरे काफ़ी बार आए थे, यहाँ से बस मिल गया था, मैं देखूँगा यहाँ से बस मिलेगा नहीं मिलेगा पुराने दिल्ली के लिए। जी ये ना दोस्तों, मैंने पहले यहाँ आए थे, फिर मैं उसी रास्ते से पैदल गए थे ना, फिर मैंने वापस आ गया, फिर मैंने अभी रिक्शा पकड़ा कि मैंने गया था वो रास्ता गलत था। चलो सुबह सुबह ये पैदल चल के पागल होने का अभी बेहतर, हमारा रिक्शा वाला कुछ फ़ायदा होना है ना भाई। चलो मैं 1 किलोमीटर रिक्शा में जाएगा और इसका बाद वहाँ से बस मिलेगा, वहाँ से बस मिलेगा ना भाई। आपका नाम क्या? हाँ आपका नाम? नजरुल इस्लाम। अच्छा अच्छा अच्छा, इंशाल्लाह। तो रिक्शे का एक्सपीरियंस बड़ी मेहनत है यार भाई, मुझे अच्छा नहीं लगते क्योंकि आप क्या करें, क्यों हम लोग सब आते रहते हैं यार। मैं आपसे 10 रुपये कम करके बोला, आप माफ़ कर लेना, ऐसी बोलना अच्छा नहीं, क्योंकि मतलब अगर ये तेल वाली गाड़ी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे खुद ही गाड़ी नहीं तो दूसरा आदमी होती है इसमें। आपका आपका खुद ही गाड़ी है? अच्छा, दिल्ली में रहते हो आप? बंगाल से? अच्छा बंगाल से हो आप? अच्छा यहाँ आके कितना साल हो गए यहाँ आके काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं 20 साल से। 30 साल से? 20 साल से। अच्छा अच्छा, 20 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। 3 महीने 4 महीने जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो घर कब जाओगे आप? अभी नहीं जाना जी, 26 जनवरी नया साल के बाद। अच्छा अच्छा, नया साल के बाद अब 2023 में जाएगी, सर्दियों का मौसम के बाद, क्यों? चलो अभी इस टाइम काम करना मज़ा है, क्यों? हाँ, वो सभी काम में मज़ा है अभी, क्योंकि इतना धूप नहीं। अच्छा है, ये सीधे कौन सी रास्ता है? ये हाईवे? ये हाईवे पुरानी दिल्ली। पुरानी दिल्ली। अच्छा, यार भाई मेरे को बहुत अफसोस है यार, ये ना बहुत मेहनत है यार ये काम। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली वो रिक्शा वाले मेरे को छोड़ दिया वहाँ, रिक्शा वाला इस तरीके से कि मुझे कह दिया था 1.5 किलोमीटर, ऐसी कुछ नहीं था, आधा किलोमीटर था, क्या बताओ हम सब झूठी होती 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 है। मैं सोचा यार वो मतलब रिक्शा चलाने में इतना तकलीफ़ है, मैंने सोचा था थोड़ा 10 रुपया बढ़ती दे दूँ, लेकिन वो झूठी बोला था, लेकिन क्या बताओ। अभी फाइनली वहाँ से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बस मिल गया और वहाँ से मैं अभी रेलवे स्टेशन के सामने हूँ। और दोस्तों आप लोगों को पता है मैंने काफ़ी दिन का बाद ब्लॉग बन रहा हूँ, अगर ब्लॉग में कोई प्रॉब्लम है कोई दिक्कत है आप लोग मेरे को माफ़ कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना और हमारे साथ बने रहना। तब तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।